दोस्तों आज मैं आपके लिए पांच ऐसे इंसान लेकर आया हूँ जिनके पास पैसा ना होने के बावजूद इनके एक छोटे आइडिया ने उन्हें काफी कम समय में अमीर बना दिया, जिनकी कहानी को जानकर आप हैरान रह जाओगे। एंड्रयू मप्पई। युगांडा में रहने वाला ये व्यक्ति जब 16 साल का था तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना प्लास्टिक बैग की जगह कागज के बैग बनाए जाए ताकि नेचर को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाए जा सके। लेकिन उसके पास इसे शुरू करने के लिए सिर्फ $14 थे जिन्हें उसने प्लास्टिक बोतल कलेक्ट करके उन्हें बेचकर कमाए थे, जिसके बाद उसने ऑनलाइन वीडियो देखकर पेपर बैग बनाना सीख लिया और उन्हें लोकल दुकानों पर जाकर बेचने लगा। आज उसका ये व्यापार काफी ज्यादा फैल चुका है, जिसे 30,000 का इनाम बेस्ट यंग अफ्रीकन बिजनेसमैन के लिए दिया गया। थाटो एंड रिया। इन दोनों लड़कियों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा बैग बनाया जाए जो कचरे के सामान से बना हो ताकि उसकी कीमत भी कम हो और वो लोग इसे आसानी से खरीद सके जो काफी गरीब घर से आते हैं, जिसके बाद वो प्लास्टिक कचरे को कलेक्ट करके उनसे सस्ते बैग बनाने लगे जिनसे स्मार्टफोन भी चार्ज हो जाता था, वहीं इसमें लाइट भी लगी होती थी ताकि जिन लोगों के पास बिजली ना हो वो भी अंधेरे में पढ़ाई कर सके। आज उन लड़कियों के इस आइडिया ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। बेथलेम तिलाहम। एक गरीब परिवार में पैदा हुई इस लड़की का आइडिया एकदम सिंपल था कि क्यों ना कचरे के सामान से जूते बनाए जाए। आज वही जूते दुनिया भर में सबसे बड़ी अफ्रीकन जूतों की कंपनी बन चुकी है, जिन्हें 100% हाथों से बनाया जाता है, जिसमें 100 से ज्यादा लोकल लोग काम करते हैं जो कचरे को जूतों में बदल सकते हैं, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में, जिनके जूते दुनिया भर में 50 देशों में बेचे जाते हैं। मलक्लम। अफ्रीका में मौजूद ये व्यक्ति पुराने खराब टायर को खरीद कर उनके चप्पल जूते बनाकर मार्केट में $2 में बेच देता है, जो कि नाइजीरिया जैसी जगह पर काफी अच्छा पैसा है। जब उसने ये काम शुरू किया तो गांव के लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन आज लोग उसकी तारीफ नहीं करते थकते कि कैसे उसने पुराने टायर को एक और जिंदगी दे दी। लोर्ना रट्टो। केनिया की इस लड़की ने बैंक की अपनी नौकरी छोड़कर अपनी खुद की एक कंपनी खोल ली, जिसका नाम उसने इको पोस्ट रख लिया, जो कि आज केनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी है, जो प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके उनसे फेंस बनाना शुरू कर दिया, जिसे लोगों ने काफी सपोर्ट भी किया और उसका ये बिजनेस फेमस हो गया। आज इस कंपनी के अंदर 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों क्या मुझे इस वीडियो के लिए आपका एक लाइक मिलेगा, जिसे देने में आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा, और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।